Hello students, we are going to start our English work. So open your English literature notebook and start writing date. Write date on the left side and classwork on the right side. In the first line you will write heading. Lesson number 3, Grandmother's Kitchen. Okay, and today's topic is क्वेश्चन आंसर्स. आज हम लेसन नंबर 3 ग्रैंड मदर्स किचन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट डी ओ टू डब्ल्यू ई वी यू एस सी यूज टी ओ टू बी ए के ई बेक टी एच आई एन जी एस थिंग्स. व्हाट डू वी यूज टू बेक थिंग्स. हम क्या यूज करते हैं थिंग्स को बेक करने के लिए. आंसर ए एन एन ओ वी ई एन अवन. एन अवन मीन एक अवन. वी यूज एन अवन टू बेक थिंग्स. हम थिंग्स को बेक करने के लिए एक अवन यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डब्ल्यू एच ओ हु एफ आई डबल एल एस फिल्स टी एच ई द C U P cup, C A K E cake, cupcake, T R A Y tray. Who fills the cupcake tray? Cupcake tray को किसने फिल किया? Answer G R A N D grand, M O T H E R mother, grandmother. Grandmother fills the cupcake tray. Grandmother ने फिल किया था cupcake tray को. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट डी ओ ई एस डज ए एन वाई ए आन्या पी यू टी पुट ओ एन ऑन ई ए सी एच ईच सी यू पी कप सी ए के ई केक. व्हाट डज आन्या पुट ऑन ईच कप केक. आन्या ने हर एक कप केक के ऊपर क्या लगाया था. तो अन्या ने हर एक कप केक के ऊपर क्या लगाया. आंसर अ सी एच ई डबल आर वाई चेरी. अ चेरी एक चेरी. अन्या पुट्स अ चेरी ऑन ईच कप केक. अन्या ने हर एक कप केक के ऊपर एक चेरी लगाई. लेट्स रिवाइज इट. व्हाट डू वी यूज टू बेक थिंग्स. What do we use to bake things? An oven. Next, who fills the cupcake tray? Who fills the cupcake tray? Answer, grandmother. Okay, next, what does Anya put on each cupcake? What does Anya put on each cupcake? A cherry. A cherry. That's all students. Write it neatly. Take care. Bye.